हेलो व्यूअर्स दोस्तों, मैं आज जो नई रेसिपी लेके आया हूँ वो है कटहल की सब्जी। और ये हिमाचल में बहुत पाई जाती है, लोग उगाते भी हैं। इसका पेड़ होता है और उसमें काफ़ी कटहल लगते हैं। इसकी सब्जी का बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग तरह से बनाई जाती है। जो हमारे यहाँ बनती है मैं उसके बारे में बताऊँगा। इसको पहले कटहल को छिलका निकाल के छोटे छोटे पीस करके इसको फ्राई करते हैं, और उसके बाद फ्राई करने के बाद एक अलग से मसाला बना के उसमें उसका जैसे उस मसाले का छोंक देते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। बनाना थोड़ा सा मेहनत का काम है क्योंकि इसका पहले छिलका उतारना, उसका पेपर से थोड़ा उसके बाद उसको फ्राई करना, और ये सारा तेल में बनता है तो थोड़ा हैवी हो जाता है। तो अब देखिए कैसा लगता है आपको। दोस्तों, ये है कटहल का जो फल होता है वो है, इसको आप फल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये पक जाए तो ये फल की तरह लगता है, मीठा होता है, और कच्चा होता है तो इसकी सब्जी बनती है। अमूमन काफ़ी देश के काफ़ी हिस्सों में पाया जाता है। हिमाचल में भी इसके पेड़ होते हैं और लोग इसको उगाते हैं। इसके पेड़ काफ़ी देर के बाद फल देते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जितने भी हिमाचल में तो काफ़ी लोग खाते हैं इसको। तो आज इसको बनाने का तरीका ऐसा है कि इसको छिलना, थोड़ा सा इसका दूध निकलता है तो वो हाथों में चिपकता है। ये हाथों में चिपके इसके लिए थोड़ा सा तेल लगा के हाथ में फिर इसको काटिए। इस तरह से ये हाथों में नहीं चिपकेगा। सीजन शुरू ही हुआ तो काफी कच्चे आ रहे हैं। बीज बहुत स्वादिष्ट होते हैं जब ये पक जाते हैं। बनने में इसको टाइम लगता है, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं शहरों में जिन्होंने इसको खाया नहीं होता है। लोग मेहनत से बचना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, और इस वजह से लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से बनते रह जाते हैं। थोड़ी देर में तेल गर्म हो जाएगा और गर्म तेल में ये हम फ्राई करेंगे। और
गर्म हो चुका है, अब इसमें हम फ्राई करेंगे चिकन। तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए होगा वो प्याज लहसुन का पेस्ट है, अदरक और हरी मिर्च डालेंगे और साथ में टमाटर लास्ट में। ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है अच्छे से। ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है और उसके बाद ये इसका रेडी हो जाएगा। को तड़का लगाने के लिए वही तेल यूज हो जाएगा। ब्राउन होने तक तो वेट करेंगे और उसके बाद इसमें अदरक और प्याज ऐड करेंगे। तो ये धनिया ब्राउन हो गया, अभी हम इसमें थोड़ा ऐड करेंगे अदरक। अदरक को मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करता, फ्राई करता हूँ साथ में ऐड करता हूँ।
प्याज। प्याज के साथ में ही मैंने लहसुन डाला हुआ है जिसको मैंने काटा नहीं है। नमक हल्दी मसाला ऐड करेंगे और साथ में बाद में टमाटर डाल देंगे। इस तरह से इसकी एक ग्रेवी बन जाएगी। टमाटर डाल देंगे इस तरह से। अब ये लगभग रेडी है। अगर चावल के साथ खाना है तो थोड़ा सा ज्यादा डाल दीजिए। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो दूसरा तरीका है, आप टमाटर को एक सलाई में डाल के छेद करके उसको आग के ऊपर पकाइए, उसका छिलका जल जाएगा और इसके बाद वो मेल्ट हो जाता है जब आप उसको फ्राई करते हैं। स्वाद के लिए थोड़ी सी आप इसमें मीठा ऐड कर सकते हैं, अगर आप मीठा पर थोड़ा सा पसंद करते हो तो इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया हो जाएगा। जब तक ये पक रहा है थोड़ा सा इसमें हरी मिर्च डालेंगे लास्ट में, और आप चाहें तो इतना मीठी सौंफ वो भी बहुत अच्छी लगती है, कुछ मसाले एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्च से अलग टेस्ट हो जाता है। फ्राई करना है जब तक कि तेल न छोड़ दे, पानी एवेपोरेट हो जाएगा और फिर उसको टमाटर से अलग कर देंगे। तब तक इसको धीरे धीरे पकाते रहें।
खाना बनाने में एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप रूह से खाना बनाते हो और दिल से खुशी से, तभी वो स्वाद होता है और उसको खाने वाले भी तभी मजे से ले पाते हैं, क्योंकि वो रूह से बना होता है, दिल से बना होता है। और वो खाना जो मुंह फुलाए बनाया जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाना बनाने को झंझट समझते हैं, उनके हाथ का बना हुआ खाना कभी स्वाद नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें वो उनके 100% नहीं दिया होता, उन्होंने दिल नहीं लगाया होता कि नहीं है इसको अपने लोग खाएंगे या मैं खुद खाऊंगे या अपने लोग खाएंगे, क्योंकि एक सेवा भाव बहुत जरूरी है खाना बनाने के लिए। तब इसमें बहुत स्वाद आता है। पानी अलग हो रहा है, सब लगभग ये रेडी है, छोड़ देता हूँ ताकि पानी सारा गंदा रोक। खाना खाते समय जलना नहीं चाहिए, नीचे जल गया तो कड़वाहट भी आता है। और खाना बनाते हुए जो लोग बनाते बनाते इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका भी खाना काफी अच्छा नहीं बनता, जो मन लगा के एक जगह खड़े होकर खाना पकता है उसमें बहुत स्वाद आता है, क्योंकि कुछ पूरी नजर रहती है। खाना बनाने लग पड़े हो दूसरे काम भी साथ में, पकाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी थोड़ा ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में उसको पका सकते हैं। इसको पकाने के लिए थोड़ा सा पानी सीटी लगा के उतार लीजिए, 2-3 सीटी और ये रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से अब ये रेडी है, चावल या रोटी के साथ जैसे मर्जी सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत अच्छी लगती है।
चावल। तो फ्रेंड्स ये था कटहल बनाने का ट्रेडिशनल तरीका, और आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियो ला रहा हूँ, तो जिसमें जो कुछ नई तो नहीं है, तो सारी पुरानी डिशेज है आपके लिए नई होंगी। इसमें एक हिमाचल का एक ट्रेडिशनल आइटम होती थी, उसको बोलते थे नाम बोल रहा है उसका एंकड़ू। हाँ एंकड़ू चावल से बनते हैं, आपने देखा होगा जैसे डोसा बनता है, लेकिन उसमें जैसे आप इडली का बर्तन यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा अलग तरह का बर्तन होता है, सेम टू सेम इडली की तरह ही मिलता जुलता है लेकिन तरीका अलग होगा। ये भी एक मीठा या नमकीन बना सकते हैं, नॉर्मली ये मीठा ही बनता है, तो आने वाले टाइम में वो भी आपके लिए शेयर करूँगा, जैसे जैसे मुझे याद आता जाएगा जो मैंने पुरानी लाइफ की है उसी के रिगार्डिंग मैं आपको अलग अलग तरह की वीडियो खाने के लिए डालता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।